पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं आपका शुभ चिंतक हरकेश चौहान आपके ईयर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इसमें चाहे टेनेटस हो, चाहे आपको डीप साउंड आ रही हो, मतलब बहुत कम सुनता हो, कानों से आपको पस गिरता हो, खुजली चलती हो, ड्राइनेस हो, कुछ भी हो, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस पद्धति में है जो एक्यूप्रेशर मसाज और आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर है। ये सभी वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपने वीडियो छोड़नी नहीं है, लास्ट में हम आपको घरेलू उपचार बताएंगे जिसका इतना फास्ट रिजल्ट है दवाई भी उसके सामने शर्म करती है। तो करना क्या आपको, जो हम अभी आपको बताने वाले, पहले हम मिस्टर मोहित शर्मा जी के पास बताएंगे कैसे क्या करना है। मोहित जी का ये हाथ है, जैसे हाथ पे आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये लाइन यहाँ पे कानों के कुछ पॉइंट होते हैं, तो आपको ऐसे कोई मोटा सा पेन का बैक ले लेना, दबा के देखना, खासकर लिटिल फिंगर वाली जगह पे, तो जहाँ पे भी कान का पॉइंट होगा दर्द बहुत आएगा, बिल्कुल सुई जैसे चुभेगा। आपको 3 सेकंड होल्ड करना है, छोड़ना है, ऐसे यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तीनों पे करना है और आपको ये दर्द ख़त्म करना है। प्लस साइड में इधर बिल्कुल यहाँ पे नाखून की सिधाई में इधर आप दबाओगे तो बहुत भयंकर पेन आएगा, इधर भी आपको एजिटिस पेन करना पूरा चारों तरफ। सेम आपने इस उंगली के बाहर की तरफ, ये जो मिडिल इंडेक्स फिंगर बन रही है, यहाँ पे टाइट प्रेशर करना आपको कान के लिए, साथ में एल्बो के पास, कोहनी के पास, जैसे हम कोहनी मोड़ते थे लाइन बनती, इसके पास आपने प्रेशर करना है टाइट। और ये लाइन की मालिश करने के साथ साथ यहाँ पे आप जैसे अंगूठे को मोड़ोगे, ये हिल बन रहा है, इसके ऊपर भी आपने टाइट प्रेशर करना है। और रात को सोते टाइम यहाँ पर आपको दाने बांधने, किस चीज़ के, गेहूं के दाने बांधने, गेहूं के रोजाना 2 गेहूं के दाने, कान के जैसी शक्ल होती है उनकी फेस, तो गेहूं के दाने रोज़ रात को बांधना है, सुबह निकाल कर फेंक देना है। ये प्रक्रिया आपने रोज़ करना है, हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे में। और जो कान है, जैसे मोहित जी का कान आपको नजर आ रहा है, ध्यान रखना खुला हुआ नहीं होना चाहिए, कान के अंदर मुंह खोल करके आपको यहाँ पे टाइट जितना पेशेंट खुद दबाए अपने आप से दबाना है और छोड़ना है। कान के बिल्कुल अंदर नहीं करना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उंगली का प्रेशर नहीं बनता है, बिल्कुल तरीके से यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं, पेशेंट खुद अपने आप से करेंगे, नीचे की तरफ प्रेशर करना है, छोड़ना है, चारों तरफ करना है, कान के जस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ, ये प्रक्रिया आपने करना है। और यहाँ पर लगाकर कान को ऐसे प्रेशर करना है पेन को, तो पूरा दबाव आपका कान के चारों तरफ आएगा, ये प्रक्रिया आपने इस तरह से करना है। और आप देखेंगे ये मोड़ने के बाद यहाँ पे एक लाइन बनती है, इसके ऊपर भी टाइट प्रेशर करके पेशेंट को बोलना है जुगाली करें, जैसे मोहित जी आप अपने दांतों को दबाइए, तो पूरा प्रेशर इनका यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आता है। ये प्रक्रिया करने के बाद आपने एक प्रक्रिया करवाना है, पेशेंट शून्य मुद्रा लगा लेंगे, जैसे इन्होंने शून्य मुद्रा लगा ली, चक्कर आ रहे उस स्थिति में बिल्कुल ना करवाएं, ये शून्य मुद्रा दोनों हाथों में लग गई लाइक दिस, और आपने बिल्कुल सीधा बैठा करके सांस बाहर निकाली मोहित जी, और यूं थोड़ी बिल्कुल जबरदस्ती टच करवाएं, लेकिन ध्यान रखना चक्कर आए उस टाइम बिल्कुल भी ना करवाएं, और फिर छोड़ दीजिए, दोबारा से सांस बाहर निकालें यूं, तो पूरा दबाव आप देखेंगे महसूस होगा, कान में पूरा एकदम से बहुत तेज करंट सा दौड़ता है और कान की सभी समस्या सही हो जाती है। लास्ट में पूरे कान की मालिश करें, ऐसे करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी कान की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो। धन्यवाद।